हेलो लेब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की, फर्स्ट टू सेवन के लिए। तो मैंने आपके कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके निकाल लिए हैं, तो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ स्टार इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ स्फीयर इन रिवर्स, सेवन ऑफ स्टार्स, द सन, टू द बैलेंस, टू ऑफ स्टार्स और द बैलेंस, Temperance and okay, four of star. So Libra, मुझे लग रहा है कि आप if month है, बहुत content है। शायद आपसे if week में कोई ऐसी बात आपको बोलेगा जो आप कब से सुनना चाह रहे थे। Maybe आप अपने partner से commitment चाह रहे थे और वो आपसे कहेगा कि okay, मैं आपको commitment देता हूँ या देती हूँ particular चीज के लिए, कि मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी, या फिर मैं इस रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताऊंगा या बताऊंगी, जो भी, मतलब जिस तरीके भी कमेंट, जिस तरीके की भी आप बात सोच रहे थे अपने मन में, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ये बात बोले। और ये भी हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर को ये बात बोले, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बात अपने मन से कहने से ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये आपने आपके कंप्लेन्स की वजह से हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपने अपने पार्टनर से एक कंप्लेन की हो पास्ट में, कि वो आपको लेके सीरियस नहीं है, आपके साथ कमिट नहीं करना चाहते, आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते। तो ये जो बात थी, इनको बहुत डिस्टर्ब की इस बात ने, क्योंकि ये जो पर्सन है ये वाकई में आपसे प्यार करता है, आपसे अटैच्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त कमिटमेंट करने की सिचुएशन में है। फॉर द फर्स्ट वीक ओनली, ये जनरल रीडिंग है और सिर्फ एक वीक के लिए वैलिड है। तो ये जो पर्सन है, ये मुझे लगता है कि ये सैड है इस बात से कि आप इतने तकलीफ में हैं, और आपको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए, आपको थोड़ा सा शांत करने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो आपसे वादे करेंगे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे देंगे। हालांकि इस पॉइंट पे कमिटमेंट पूरा करना इनके बस में नहीं है, ठीक है, ये आपसे अट्रैक्टेड है, आपसे अटैच्ड है, लेकिन इनके बस में नहीं है कि ये कमिटमेंट इस वक्त आपसे पूरी कर सके। या ये आपके तरफ से भी हो सकता है लिब्रा, आपके पार्टनर कुछ इमोशनल सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको अपना इमोशनल साइड दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि आप अभी नहीं कमिट करना चाहते, लेकिन आप उनको हैप्पी करने के लिए कोई कमिटमेंट दे देंगे, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है बैलेंस्ड रहे, चलता रहे। ये इमोशंस जो है इस पर्सन के, या फिर अगर ये आप है और आपका पार्टनर है जो आपसे कमिटमेंट कर रहा है, तो ये चीजें आप चाहेंगे कि बैलेंस रहे और किसी तरीके का अनबैलेंस ना क्रिएट हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, आप एक दूसरे के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहते, कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट यहां पे एक कार्ड है, एट ऑफ स्टार्स इन रिवर्स, इसका मतलब है कि ये आपका वहम हो सकता है। अगर इस तरह की कमिटमेंट कोई आपसे कर रहा है, तो ये आपका वहम हो सकता है कि वो इस कमिटमेंट को पूरा कर पाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं बिल्कुल भी कि ये पर्सन जानबूझ के आपको क्या धोखा देना चाहता है या आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहा है। ये आपसे अटैच तो है और चाहता भी है आपके साथ फ्यूचर, लेकिन ये इसके बस की बात नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये मुझे फॉल्स इल्यूजन दिख रहा है या मुझे धोखा दिख रहा है। धोखा इन द सेंस कि ये उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, चाह के भी पूरा नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। और यहां है द हैंग्ड मैन, ठीक है, और ये चीज आप रियलाइज करेंगे, ये चीज सुना और लेटर आप रियलाइज करेंगे इस वीक में, कि ये पर्सन जो है, इसने जो कहा वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, और क्यों नहीं पूरा कर पाएगा ये भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि हैंग्ड मैन या विजडम का कार्ड है, यानी आपका दिमाग चीजों को समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि आपके दिल में जो इमोशंस हैं वो आपके ख्याल पे हावी हो जाएंगे और आप कुछ नहीं देख पाएंगे, ब्लाइंड फोल्ड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, आप चीजों को समझ जाएंगे कि ये जो इंसान है ये पूरी तरह से अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता है, और आप इतने होशियार हैं कि इस चीज को आप भांप लें। यहां पे सेवन ऑफ स्टार्स है, फिर भी आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि चलो इस पॉइंट पे नहीं करेगा तो नेक्स्ट किसी पॉइंट पे मेरा पार्टनर मेरे लिए ये सब करेगा जो उसने मुझे प्रॉमिस की है। और ये जो सेवन ऑफ स्टार्स है मुझे आपकी हैप्पीनेस दिखा रहा है,
सन भी मुझे हैप्पीनेस दिखा रहा है, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ये भी देख के खुश होंगे कि कम से कम मेरा पार्टनर मेरे लिए इतना एफर्ट तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, भले ही उसके बस में अभी, उसके हक में अभी हालात नहीं है, मगर फिर भी वो आपके लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ कार्ड है द टेम्परेंस का, तो प्लीज किसी की रॉन्ग एडवाइस से बच के रहिएगा। मान लीजिए कि कोई आपको कोई गलत सलाह दे सकता है और जिसके कारण आपका काम खराब हो जाए और आप सैडनेस में चले जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जो है अपने आसपास की लोगों की बात ज्यादा दिमाग पे हावी ना होने दें। मान लीजिए कि अगर आपने इमोशनल होके अपने पार्टनर पे किसी तरीके का प्रेशर बनाया कमिटमेंट के लिए, तो वो पूरी ना कर पाए अगर बाद में, तो आपको बुरा लग सकता है। तो अपने विजडम का यूज करें, आसपास की लोगों की बात जरूरत से ज्यादा ना सुने, जो आपको सही लगता है, आपको खुद अपने इंटेलिजेंस से सही लगता है वही करें। यहाँ पे अगेन है द सन, द सन अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में हैप्पीनेस है, और फर्स्ट वीक मुझे लगता है आपका खुशनुमाई जाने वाला है, क्योंकि ये सब चीजें होने के बावजूद भी आपके पास विजडम है, आप जानते हैं कि आपको कैसे चलना है आगे ताकि आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहे। सो चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल का क्या मैसेजेस, ओरेकल के क्या मैसेजेस है फॉर द फर्स्ट वीक, मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, messages for Libra for the first week of March. Okay, Earth connection. Be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded. Okay, तो आपको Oracle ये message दे रहा है कि आपको grounded रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपका पार्टनर आपको अभी कमिटमेंट दे रहा है तो उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाएगा, चाहे जिस भी रीजन से हो वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। तो इस समय के आप कमिटमेंट्स को ज्यादा सीरियसली ना लें, ठीक है, उसे इफ और बट्स के साथ ही लें। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होती, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको समझ लें और फैसले लें। तो यहाँ पे इस वीक में आपसे अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है तो उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, 50-50 के चांसेस हैं, तो आप उस चीज के लिए रेडी रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, नहीं तो फिर आपको अबैंडन्ड फील हो सकता है, आपको बहुत बुरा लग सकता है। और साथ ही इसके अलावा दूसरों की बातें जो आपके पार्टनर के बारे में वो कह रहे हैं, या अगर आपको आपके दिमाग में कुछ बातें भर रहे हैं जो आपको नहीं लगता कि आपके पार्टनर के बारे में सही है, तो उन बातों को भी इग्नोर करें, आप ग्राउंडेड रहिए, अपनी विजडम यूज करें द हैंगमैन के साथ। और वैसे ही आपको फैसले भी लेने हैं कि आपको आगे कैसे चलना है, और ज्यादा आप उम्मीद ना लगाएं इस कमिटमेंट से। हालांकि मुझे बाकी सारे फील्ड्स में यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, विद सेवन ऑफ स्टार्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर को बार बार कहेंगे तो आपको कमिटमेंट उससे मिल जाएगी, लेकिन उसके कम्प्लीशन तक पहुंचने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। सो यही थी लिब्रा की रीडिंग और फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।